नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कापर के केबल में पतले पतले वायर क्यों लगे होते हैं। कापर का जो केबल होता है उसमें पतले पतले वायर क्यों लगे होते हैं, उसका क्या कारण है, क्यों उसमें पतले पतले वायर प्रयोग किए जाते हैं, क्यों नहीं एक सीधा मोटा सा वायर प्रयोग किया जाता है जैसे एल्युमिनियम का केबल होता है। तो फ्रेंड आपको दिखा दे, ये जो है ये इसको हम केबल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम केबल बोलते हैं। आप लोगों को देखेगा तो कहेंगे ये तो वायर है, केबल तो मोटा वाला जो होता है वही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है फ्रेंड। ये जो एक वायर होता है, ठीक है, एक वायर जो होता है ये जो होता है ये वायर होता है, ठीक है। जब तक इस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है ये वायर है, जब इस पे इंसुलेशन चढ़ जाएगा तो ये भी केबल कहलाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ये जो होता है जिस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है वो वायर होता है, ठीक है, लेकिन जब इस पे इंसुलेशन चढ़ जाता है तो ये केबल हो जाता है। तो इसको साथ में यूज करके इसके इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा करके इसको केबल बनाया गया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पतले पतले वायर हैं ये इसमें क्यों प्रयोग किए गए हैं, एक ऐसे मोटा ही वायर क्यों नहीं प्रयोग किया गया, ऐसे मोटा बनाकर क्यों नहीं प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा मार्केट में नहीं आता है, मोटा वायर भी आता है, लेकिन ऐसा भी क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण है कि इसको ऐसा बनाया गया है, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड हम और आप जानते हैं कि ये जो कापर का वायर होता है, ठीक है, कापर के वायर में जो ये वाला वायर जो होता है इसमें पतले पतले वायर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं कि दो सप्लाई होती है, ठीक है, हमारे पास दो सप्लाई है, जैसे कि एसी सप्लाई हो गई और डीसी सप्लाई हो गई, ठीक है। हमारे पास दो सप्लाइयां होती हैं, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, ठीक है। तो ये वायर जो होता है इसको हम एसी सप्लाई में प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको हम एसी वायर भी बोल सकते हैं, इसको हम एसी सप्लाई में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। आप लोग गांव में हैं तो गांव के लोग मतलब ज्यादातर डीसी यूसी कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका नॉर्मली ज्यादातर यूज हम एसी सप्लाई में ही करते हैं। अब शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग होता है या तो फिर गाँव में भी जो घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, उसमें जो वायरिंग होता है यही वाला वायर प्रयोग किया जाता है, मल्टी का वायर प्रयोग किया जाता है, ना कि एक मोटा वाला वायर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसका कारण है, क्या कारण है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डीसी सप्लाई है, ठीक है, डीसी सप्लाई है हमारे पास, ये एक वायर हो गया, ठीक है। इस वायर में से जब धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस वायर में से हमने 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, ठीक है, और ये एक मोटा वायर है, ठीक है, इतना मोटा वायर है, ये एक वायर के ऊपर बात कर रहे हैं, पूरे केबल के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। तो एक वायर है, इसमें से हमने 5 एम्पियर की धारा ऐसे प्रवाहित की, तो अब हमें ये जानना है कि ये धारा कहाँ कितने में प्रवाहित होगी। तो इसकी मोटाई मान लेते हैं, ये जो मोटाई है मान लेते हैं इसकी मोटाई इतनी है, ठीक है, तो अब इसमें से कितने में धारा प्रवाहित होगी ये देखना है। तो मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा हमने इसमें से प्रवाहित की, तो यहां पर जाके ये पूरे पूरे सरफेस में से पूरा होगा, ठीक है, पूरे मोटाई में से इसकी धारा प्रवाहित होगी, इसके पूरे मोटाई में से डीसी सप्लाई जो होते हैं डीसी सप्लाई में पूरे मोटाई में से इसकी धारा प्रवाहित होगी और इसके पूरे लोड के साथ ये चलेगा, ठीक है। लेकिन एसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, एसी सप्लाई में क्या होता है कि एसी सप्लाई जो होता है उसके जैसे वायर हो गया, ठीक है, वायर में जब इसमें से धारा हम प्रवाहित करेंगे, ऐसे पूरे मोटाई हो गई, ठीक है, इस मोटाई में से अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सिर्फ आउटर सर्फेस से धारा प्रवाहित होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सिर्फ आउटर सर्फेस से धारा प्रवाहित होगी और ये बीच का जो होता है इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होती। यहाँ पे मान लीजिए तो यहाँ पे न्यूट्रल ही होता है, वहां पे टच तो नहीं कर सकते न्यूट्रल का, तो वो नहीं नाप नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल के समान होता है, यहाँ पे से एक भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा सिर्फ एसी सप्लाई में होता है, ठीक है, एसी सप्लाई में होता है, वो भी फ्लक्चुएशन के कारण। इसको हम जो ये इफेक्ट जो होता है इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आउटर सर्फेस से ही सिर्फ धारा प्रवाहित हो और बीच में से धारा प्रवाहित ना हो, ऐसा सिर्फ एसी सप्लाई में होता है, डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। अब ये स्किन इफेक्ट होता क्यों है, इसके ऊपर अगर आपको जानकारी लेना है, स्किन इफेक्ट के बारे में जानना है, तो इसकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, स्किन इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड इसमें हमने बेसिक चीज बताने की कोशिश की है कि इसमें जो मोटाई होती है इसके किनारे किनारे ही धारा प्रवाहित होती है, बीच में से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या होता है कि अगर हमने 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की और इसमें से जाने लगा, एक वायर में से जाने लगा, तो ये क्या होगा कि ये हिट हो जाएगा, ठीक है, ये जो आउटर सर्फेस से धारा प्रवाहित होगा तो ये सिर्फ आधा ही या तो प्रवाहित हो रहा है, तो इसलिए वो हिट हो जाएगा। जब ये हिट हो जाएगा तो ये वायर खराब होने का चांस हो जाएगा, जल जाएगा वायर, ब्रेक हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होती है, लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसमें कई सारे एक पतले 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 वायर जोड़ देते हैं। तो जो ये आउटर सर्फेस से जो धारा प्रवाहित होती है, यहां से इसे पतले पतले इसे पतले पतले वायर जोड़ देंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें तो पूरा पूरा लेके धारा प्रवाहित होता है। जब इसमें पूरा लेके धारा प्रवाहित होता है तो जब 5 एम्पीयर की धारा जब प्रवाहित होगी लोड के साथ पूरे वायर में धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा कि ये वायर हिट भी नहीं होगा और सारा काम भी हो जाएगा। और पहला कारण तो ये हो गया, ठीक है, पहला कारण स्किन इफेक्ट का होगा, इसकी वजह से, और इसमें पतले पतले वायर लगा करके इसका यूज किया जाता है। तो मेन कारण ये है कि इसको स्किन इफेक्ट से बचाने के लिए जो है कि हम इसमें पतले 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 वायर जोड़ते हैं, पहला कारण ये है। और दूसरे कारण के ऊपर बात करते हैं, तो दूसरा कारण ये है कि आप लोग देखते होंगे कि जो नए नए मकान बन रहे हैं या तो फिर जो पक्के मकान है उसमें जो कंड्यूट वायरिंग होती है, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग जो होती है
कंड्यूट वायरिंग में या तो फिर केसिंग कीपिंग वायरिंग में जो होता है, केसिंग कीपिंग वायरिंग या कंड्यूट वायरिंग में जो वायरिंग के लिए तार प्रयोग किए जाते हैं, वायरिंग के लिए केबल जो प्रयोग किए जाते हैं, ये जो वायर होते हैं यही केबल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हम बार बार इसको वायर बोलते रहे, वो मेरी गलती है क्योंकि हमारे आदत पड़ गया है, लेकिन इसको हमें केबल बोलना चाहिए। तो ये जो केबल है इसी केबल का प्रयोग करते हैं, ना कि इस पूरे मोटे वाले केबल का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम का सीधा मोटा वाला वायर ला के पूरी वायरिंग कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें हमेशा पतले पतले ये पतले पतले जो वायर होते हैं, जिसमें इसको हम मल्टी केबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इसको ही हम यूज करते हैं वायरिंग के लिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, पतले पतले वायर होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, कितना भी मोड़ो चोड़ो ये मुड़ जाता है फिर खुल जाता है। ठीक है, लेकिन जो मोटे मोटे जो जिसमें एक पूरा मोटा लगा होता है, उसको अगर हम मोड़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें मुड़ जाता है, फिर टूटने का चांस होता है। एक ही वायर होता है तो टूटने का चांस होता है, मोटा भी होता है, मुड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें भी होती है, वायरिंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल होने के कारण वायरिंग के लिए हम यूज करते हैं, और एसी सप्लाई में क्या होता है कि वो स्किन इफेक्ट को भी कम करने के लिए यूज करते हैं। तो जो दो बातें हैं, ये बातें ये हो गई कि पहली बात ये है कि इसको फ्लेक्सिबल के कारण इसको यूज करते हैं, और दूसरी बात होती है कि स्किन इफेक्ट के कारण इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो दो कारणों की वजह से हम इसमें पतले पतले वायर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उनकी मदद हो सके, ये जान सके कि ये क्यों प्रयोग किया जाता है।